I'm really sorry, there was some sort of technical issue. We'll just, join with your Siddharth. Just a while. I'm sorry for the technical issue. Really thanks to Shivam from Exotic Web Media Digital. And Siddharth is now here. We will join him now. Now Siddharth is about to join, and I hope that this time we will join it. Okay, Siddharth. Hi Shivam, कैसे हो? I'm really good. How do you? आवाज आ रही थी आपकी, दिख भी रहे थे, पता नहीं मेरा नहीं दिख रहा था, I guess. Yes, आपकी भी audio आ रही थी, लेकिन you were not visible. So there might be some sort of technical issue. Yeah, कैसे हो? I am good. How's you? I'm good, yeah. So, talking about, we will talk a lot. मैं बहुत कुछ prepare करके आया हूँ. मैं तो हम काफी कुछ बातें तो करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सिद्धार्थ पूछना चाहूंगा कि आप अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन के बाद जो ये सिचुएशन है, तो आप उसमें क्या कर रहे हो? मैं शिवम अपने घर पे ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हम, बट अपना गाना लिखना या कंपोज करना, तो काम चल रहा है. 3-4 महीने में बहुत सारे गाने लिख लिए हैं जो आने वाले 1-1.5 साल में निकल जाएंगे. बहुत सारे गाने लिख दिए हैं, तो वेस्ट नहीं किया है, काम ही कर रहे थे. सो कंप्लीटली प्रोडक्टिव. राइट. बस वो है कि शूटिंग नहीं हो सकती अभी, बट नॉर्मल रिकॉर्डिंग ये सब चीजें हो गई हैं काफी, तो अब वेट कर रहे हैं. अब ये चीजें नॉर्मल हो, सो वी विल शूट द नेक्स्ट वीडियो. या डेफिनेटली आई विश के जल्द से जल्द कोरोना जो हमारी है वो जल्द से जल्द अलविदा कहे, ताकि हम सब अपना काम कर सके. तो सिद्धार्थ, मैं आपसे काफी सारी चीजें पूछने वाला हूँ, लेकिन आपके फ्यूचर में के प्लान्स में जानूंगा, आपकी करंट सिचुएशन मैंने जान लिया आपसे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिद्धार्थ जब छोटा था तो उसने कभी सोचा था, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी लड़का सोचेगा कि मैं सिंगर बनूंगा, ये करूंगा. हमारी सोच जो है वो काफी इंजीनियर या डॉक्टर तक रहती है. तो सिद्धार्थ, आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ है, और आपने पहले क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है? ओके, आई बॉर्न इन, मैं यूपी से हूँ, बनारस से. मैं जब पैदा हुआ था तो मॉम डैड आ गए थे दिल्ली. सो जितनी भी एजुकेशन हुई है मेरी सारी दिल्ली में ही हुई है, और मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ. ओके. बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि क्या करेंगे. आई वाज अ फुटबॉल प्लेयर, तो मुझे मन से ये था कि आई वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर. ओके. टेंथ ट्वेल्थ के बाद व्हेन आई कंप्लीटेड माय ट्वेल्थ, सो मुझे लगा कि मुझे सिंगिंग में ही ज्यादा करना चाहिए. एंड मैं फुटबॉल प्लेयर भी, मतलब अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, बट मैं बहुत ही अच्छा खेलता था. ओके ओके. तो ये चीजें इधर उस तरह से फुटबॉल का बैलेंस नहीं है अभी इंडिया में, तो मुझे मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि तुझे सिंगिंग करना चाहिए, क्योंकि सिंगिंग भी मैंने ऐसा सच कहीं से सीखी नहीं है, तो अंदर से ही चीजें लिखना, कंपोज करना. तो फिर मुझे कि अगर आप करते हो, अगर भगवान ने कुछ ऐसा दिया है, तो यू शुड कम आउट विद दिस. डेफिनेटली. तो ये तो हो गई आपकी स्पोर्ट वाली बात है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि पढ़ाई में सिद्धार्थ कैसा था, अच्छा था या? मैं नहीं, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट हाँ फर्स्ट डिवीजन आ जाता था, अबाउट 65-60% आई बट मुझे डॉक्टर में और या ऐसा कुछ मतलब जाना नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, पढ़ाई में नालायक नहीं कह सकते. ओके. सो पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे, और सिंगर तो आप है ही कमाल के, साथ ही में फुटबॉल प्लेयर भी आप बहुत अच्छे रह चुके हैं, तो ये हमको जानने को मिला है. तो ही इज मतलब कम्प्लीटली मल्टी टैलेंटेड पैकेज हो आप तो यार. थैंक यू.
सो आप दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, फिर आपको कब क्लिक हुआ, एग्जैक्टली कब क्लिक हुआ कि मुझे अब जो है कम्प्लीटली इसी फील्ड में मुझे आगे जाना है? और फिर आपको क्या दिक्कतें महसूस हुई या फैमिली सपोर्ट कैसा था वो आप बताइए सर। जैसे ही मैंने ट्वेल्थ करके कॉलेज में गया तो कॉलेज में यू नो भूत चढ़ गया था कि अब गाना रिकॉर्ड करना है यार, जो भी गाना लिखा है वो चीज अब निकालनी है। ओके तो मुझे वो उतना नॉलेज भी नहीं था कि किस तरह से गाना रिकॉर्ड होता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है। तो मेरे एक दो दोस्त थे तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। मैंने चलो यार एक बार, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिर मैंने गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे बहुत ही मतलब एक फील आया कि यार एक अपने गाने को तुम सुन रहे हो इन ऑडियो फॉर्म, इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि आपको टेक्निकली चीजें नहीं नॉलेज थी, आप गाना लिख सकते हो, गा सकते हो, कंपोज, बट मुझे ये नहीं पता था कि माइक पे किस तरह से खड़ा होना है एंड किस तरह से चीजें निकालनी है। तो ऐसे पूरे क्या मैं स्टूडियो में जाता रहता था ये सब। तो यू नो मतलब फर्स्ट ईयर में आके मुझे मतलब दिमाग मेरा स्टेबल था कि लाइक अब तुम्हें करना ही है गाना वाला सिस्टम करना ऑन है। ओके सो सिद्धार्थ, आई थिंक एक हमारे जो एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल के फाउंडर है, ही इज वेरी वेरी मच कीन, शी इज वेरी मच कीन टू मीट यू, सो शी इज गोइंग टू बी देयर विथ मी। सो शी इज द फाउंडर ऑफ एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड एंड शी इज नन अदर अनदर देन यामिनी सुप्रिया। सो शी इज गोइंग टू जॉइन विथ मी। या हेलो यामिनी मैम। हेलो। हेलो, कैसे हो आप मैम? हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपको मिलके और हमारे चैनल में आप आए हो, अच्छा लगा। आज हमारा इंस्टा लाइव फर्स्ट था, आपसे शुरुआत की है। थैंक यू सो मच। या और आप काफी सारी तरक्की करें ऐसे शुभकामनाएं, काफी सारा नाम बनाए ऐसी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू अगेन शिवम। ओके तो शी वॉज लाइक सिद्धार्थ इज देयर, फर्स्ट लाइव सेशन है हमारा, सो लेट मीट सिद्धार्थ। ओके सिद्धार्थ, तो आपका जो मैंने नाम देखा तो इट से सीड हार्ट, so how the idea of you know picking up that thing and also heart mein change kiya, so how that idea came into your mind? Yeah, actually ye sabhi cheez poochte hain but ye bahut hi normal cheez thi ki okay stage name chahiye tha, like people are with different name ki stage pe ek alag naam hota hai, you know thoda sa attractive hona chahiye। Okay, so main bhi pooch raha tha to main Siddharth se you know Siddharth se Siddharth मैंने एक नॉर्मली चीजें निकाली, मैंने यार ये चीज अच्छी लग रही है एंड बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं है एंड उसी तरह से प्रोनाउंस भी होता है एंड okay, yeah. बहुत ही मतलब यूनिक भी लग रहा है। तो मैंने बोला yeah. ये चीज़, और मैं गाने भी बड़ा उस टाइम जो मैंने लिखे हुए थे बड़े रोमांटिक और ये सब बहुत ज्यादा yeah. ऐसा कुछ नहीं लिखा होता रैप एंड ऑल की, मुझे थोड़ा सा अलग वे में नाम चाहिए तो ये थोड़ा ना अच्छा भी नाम लगता है ये ना। Yes, yeah. It completely grabs the mind, you know, मतलब grab हो जाता है कि seed heart. Right. So, here is Sonaki 23. She says, congratulations for your first live session. Thank you, Sonaki. Thank you. So, Siddharth, आपकी ये बात कर ली मैंने आपके academics की, फिर आपकी बात की career के start की, आपका आपका जो पहला सॉन्ग आपने कब लिखा था और वो आपको याद है? या वो मैंने लिखा था व्हेन आई वाज इन आई गेस 8th क्लास, पर वो अभी गाना नहीं था मैंने लिखा हुआ है बट वो निकाला नहीं गाना। तो आज हमको बता ही दो वो गाना सुनाना पड़ेगा। हां जी, काम कर रहा हूं शिवम भाई मैं उस पे ना, उस गाने को निकालना है मुझे। ओके थोड़ा सा मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि उस तरह से जिस टाइम लिखा था 8th क्लास में तो उस तरह से दिमाग ना मतलब इतना आजकल की चीजें देखकर मैंने कुछ उसमें चेंजेस कर रहा हूँ मैं। ओके निकालूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा सीक्रेट रहे तो ठीक है ना, चीजें रिवील ना हो। हाँ
सो गाइज सिद्धार्थ इज गोइंग टू कम विथ हिज फर्स्ट, जो मतलब उन्होंने लिखा था फर्स्ट सॉन्ग, सो ही इज गोइंग टू कम विद दैट. सो उसका जो उनका जो नया प्रोजेक्ट आने वाला है, सो कीप इन टच विद सिद्धार्थ, फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑब्वियसली फॉलो अस ऑल्सो, अमेजिंग लाइव सेशन. Your name and style suits your personality. Siddharth, this is for you. Thank you, Malkirat. Thank you so much. Okay. So, Siddharth, you wrote your first song in 8, but when you were working professionally, when were you working in this film? First year, when I was in first year, 12th, when I did my graduation, so first year, I got in my first song. Okay. And how did it went? मतलब आपको आप कैसे इस फील्ड में आप आए, आपको क्या क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, क्या दिक्कतें आपको सहनी पड़ी? स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम तुम नए सिंगर और चीजें यू नो कि कहाँ से तुम्हें चांस मिलेगा, कैसे तुम वीडियो बनाओगे एंड ऑल. यस बट या मेरा फैमिली सपोर्ट शुरू से ही रहा है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं मुझे. ओके हाँ चीजें बट मैंने वैसे बहुत देखा है, मतलब जब वीडियो बनाने का था तो चलो मैं किसी और के साथ कोलैब करता हूँ तो चीजें उस टाइम लोग नहीं करते बनी हुआ नहीं होती, बट धीरे 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 फिर चीजें बनी, मैंने खुद अपना ही गाना रिकॉर्ड कराया अपने ही पैसों से धीरे धीरे एंड तो अब चीजें नॉर्मल है एंड कभी शुरू से प्रॉब्लम नहीं हुई फैमिली की तरफ से तो कोई स्ट्रगल नहीं. ओके एंड ये आपने स्ट्रगल मतलब काफी की है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल भी इस फील्ड से जो है वो रिलेटेड नहीं है? नहीं बिल्कुल भी म्यूजिक से नहीं है. ओके सारे गाने होंगे बट गाता कोई भी नहीं है, लिखता भी. ओके मैं बिल्कुल अलग ही हूँ घर में. ओके ओके तो आपने लॉकडाउन में क्या क्या, जैसे आपने गाने तो लिखे हैं बहुत बढ़िया गजब के गाने लिखे होंगे और आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए भी आपने काफी प्लान किया होगा, लेकिन उसके अलावा आपने क्या वैसी क्रिएटिविटी की है? थोड़ा कुकिंग करी है, थोड़ा बहुत जो तो सब बने हुए हैं लॉकडाउन में. थोड़ा बहुत जो आता था वो कुकिंग कर ली एंड मेन तो वही था कि कुकिंग कर ली थोड़ा घर में यू नो चीजें रूटीन में क्योंकि कोई घर पे आता नहीं था ये लाइक कोई भी काम करने एंड ऑल तो हमें घर को अपना यू नो डस्टिंग एंड ऑल ये सब चीजें भी खुद ही करना. ओके ओके सो हियर इज वन ऑफ योर फैन डिमांडिंग टू हैव अ लाइव सिंगिंग. सो कैबिन क्रू या श्योर व्हाई नॉट या ओके अखा विच लाया सुरमानी पाया तू वरमानी लोकी मुड़ मुड़ तक दियानी ते नखरा तेरा मर जानी कदो लैंड करेंगी फेस टाइम करेंगी कदो लैंड करेंगी फेस टाइम करेंगी ओ तेनु वेख वेख नच दिया रू दिल लै गई कैबिन क्रू ओ तेनु वेख वेख नच दिया रू दिल लै गई कैबिन क्रू. Oh my God, amazing. वो अभी मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ वरना मैं definitely इस song पे dance कर देता. It is really amazing and dashing song, rocking है, मतलब कोई इंसान अगर इस पे ना नाचे ना तो क्या तो कहूँ फिर उस पे. वही चीज है, थोड़ा lockdown हो गया, club लब भी नहीं, काफी सारे shows भी थे जहाँ मुझे जाके yeah. तो अब चीजें अब वो तो नहीं थोड़ा नेचर के वजह अब इसको तो कुछ कह नहीं सकते. डेफिनेटली शोज है तो क्लब में भी मैं यू नो सुनने को मिलेगा आप लोग. ओके या डेफिनेटली. हमारे सर वैसे तो हमारी चैनल है वो वर्ल्ड वाइड है लेकिन वी बेसिकली आर फ्रॉम सूरत गुजरात एंड मैं वही पूछने वाला था आपका जैसे मेन ऑफिस एंड ऑल सब सूरत में है? यस इन सूरत गुजरात. ओके ओके दैट्स गुड. गुजरात हर जगह पंजाबी तो छा रखे बॉलीवुड में बादशाह है. तो हम गुजरात से हैं बेसिकली तो हमारे गुजरू जो लोग हैं जो वो काफी सारे गुजरू लोग आए हुए तो उनके लिए गुजराती में आप कुछ बोलेंगे?
शिवम भाई गुजराती आती नहीं है, बट मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मेरा बहुत ही मन है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो गुजरात के हैं। ओके। वो तो मेरा यू नो बहुत मन है, तो चीजें मैं गुजराती तो नहीं लिख सकता, बट चीजें मैंने किसी से कनेक्ट की है कि गुजराती कुछ लिखे, तो मैं उसको हिंदी एंड गुजराती मिक्स करके जरूर मुझे करना है, यू नो। ओके, तो एक काम कीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। श्योर। मैं जो बोलूं वो आपको बोलना है। डन 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 स्टार्ट। सो आर यू रेडी? या या इस हाँ। ओके, सो केम छो गुजरातियो? केम छो गुजरातियो? यू स्पीक अमेजिंग ब्रो। नहीं मैं उतना स्लैंग पकड़ लेता हूँ, कह रहा हूँ ना मेरे दोस्त हैं वो बोलते हैं तो okay. मैं कैच कर लेता हूँ। ओके ओके, सो आप कंप्लीट कीजिए। केम छो तमे गुजरातियो? કેમ છો તમે ગુજરાતીઓ? હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. હું તમને ખૂબ પ્રેમ કરું છું. ઓકે, ધેટ્સ રાઈટ. હું તમને મળવા માટે એક વાર ઓર રિપીટ કરી દે. હું તમને મળવા માટે ગુજરાત આવીશ. ગુજરાત આવે અને સુરત માં તો ચોક્કસ થી આવીશ. અમે સુરત માં તમારા અને 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 સુરતમાં ચોક્કસ થી આવી ઓકે જરૂર આયંગે આપ સમજ ગયે સમજ આ જાતી હે ચીઝે સમજ આ જાતી ગુજરાત યા તો સુરત માં આપ આયંગે આપકો અમેઝિંગ પબ્લિક મિલને વાલી યહાં કે લોગ બહોત હી मौजिले हैं, तो आप शायद सुना तो होगा ही, जैसे आपने गुजरात के बारे में, गुजराती फ्रेंड्स हैं आपके, तो आपने सूरत के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, सूरती लोगों के बारे में या गुजराती लोगों के बारे में? सूरत के बारे में मुझे इतना थोड़ा सा ध्यान है, सूरत में यू नो थोड़ा मार्बल एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती है, मेरे ख्याल से फैक्ट्रीज बहुत है सूरत में ना। यस, ज्वेलरीज एंड वी आर फेमस फॉर डायमंड्स एंड खाने के लिए शौकीन है सूरती लोग स्पेशली। आपका ये लॉकडाउन पीरियड में जो भी एक्टिविटीज रही, अब आप क्या प्लान कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं आप आगे? और आगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि ये गाना मैंने अपने चैनल से यू नो रिलीज किया है, सिद्धार्थ म्यूजिक। ओके ओके ओके, मैं अपने ही चैनल से बाकी जितने भी गाने हैं मैं रिलीज करने वाला हूँ। And okay. Then 50 songs in my list, जो मैंने you know almost done है। Amazing. चीजें उनको अब video and धीरे-धीरे निकालना है। तो सब मेरे channel पे हैं, तो बस मैं लोगों को पहले ये बोलूँगा कि मेरे channel जाके subscribe करें। Definitely. उसके बाद अगला गाना most probably मैं मेरा शायद romantic गाना है जो मेरे mind में चल रहा है। मैं romantic गाना ही निकालने वाला हूँ and it's proper Hindi, I guess it's not Punjabi. ओके ओके ओके, तो आपके 50 नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, 50 नए गाने आने वाले हैं, सो गाइस प्लीज 50 तो डन है, अब क्या पता अब 3 4 6 100 भी हो जाए, 100 भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो हियर इज वन ऑफ द फैन सेइंग कांग्रेस सिद्धार्थ, ब्लेस यू एंड होप यू विल बी एबल टू लिसन गुजराती हिंदी लिरिक सॉन्ग सून फ्रॉम यू। श्योर, पक्का। ओके, जिस तरीके से लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो आई थिंक आपकी थोड़ी पसंदीदा चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिद्धार्थ को खाने में क्या पसंद है? खाने में एस बहुत ज्यादा, मैं आई एम अ नॉन वेजिटेरियन बट बहुत ज्यादा नहीं है फ्रीक, महीने में okay. तो एक बार मिल गया, नहीं तो वेजिटेरियन आई प्रेफर। ओके, नॉर्मल अपना यू नो दाल हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, ये नॉर्मल। वैसे मैं चीजें अब हमारे जैसे शाम को 5-6 बजे हम चाय पीते हैं, तो उसके साथ खाकरा होता है ना, वो चलता है। खाकरा आप खाते हैं? हाँ, खाकरा इसको मतलब हमारा बॉम्बे से आता है, हमारे कई सारे क्लाइंट हैं जो गुजू हैं और खाकरा okay. सब बनाते हैं, तो खाकरा फाफड़ा ये सब नॉर्मल चीज है हमारे घर में। तो yeah. मैं बता रहा हूँ ना, गुजराती से हमारा बहुत सारा लिंकअप है, नाता, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है गुजरात से। तब तो आपको श्योरली जब चीजें सारी ठीक हो जाएगी, यू नो लाइक मूव, तो डेफिनेटली आपको सूरत में तो आना ही चाहिए, गुजरात में भी आना चाहिए, और सूरत में तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। पक्का आऊंगा, पक्का आऊंगा। ओके, एक और गाना निकल जाएगा तो आई विल कम, यू नो,
तो वहां पे परफॉर्म भी करेंगे, कुछ प्लान करता हूँ मैं। ओके यार, डेफिनेटली वी आर लाइक कंप्लीटली वेटिंग फॉर योर लाइव परफॉर्मेंस। यहाँ पे मुझे आपको देख के इतना मजा आया, तो अगर लाइव कॉन्सर्ट हो तो क्या बात बन जाएगी फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो आर यू पंजाबी? सोना की जो 20 इज आस्किंग। नो आई एम नॉट अ पंजाबी बेसिकली, वही लोगों को पता नहीं है, बट मैं, मेरे दोस्त यहाँ पे कई सारे पंजाबी हैं और यहाँ पे जाट हैं, तो बचपन से उनके साथ रहता हूँ, तो चीजें पंजाबी भी मुझे आती है, जाट भी आती है, सो ये चीज है। ओके, आई एम अ राजपूत। तो हाँ, तो सिद्धार्थ आई गेस आप जब भी मतलब लाइव शो या कॉन्सर्ट रखना चाहते हो तो मतलब हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करें, हमको कांटेक्ट करें, तो वी विल डेफिनेटली प्लान फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल शिवम भाई, बिल्कुल। ओके सो गाइस, यहाँ पे एक डील तो हमारी डन हो चुकी। वेयर डू यू हेल फ्रॉम ओरिजिनली? तो आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी, मैं जब पैदा था मुझे पता नहीं था, तो उसी टाइम मुझे दिल्ली हम आ गए थे, बट हम गांव जाता आता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, गांव में भी हमारा यू एक, तो मेरे जो दादाजी थे जो भी, वो एक एज अ फार्मर मतलब रहे हैं, तो हम खेतों से बहुत जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारे okay. चीजें चलती हैं, खेत मतलब खेत हैं, फार्मिंग होती है, तो हम रेगुलरली जाते रहते हैं साल में दो चार बार, बट वो है अच्छा। कि अभी लॉकडाउन है तो नहीं गए, नहीं तो इस टाइम हम वहीं पे ही होते अभी। ओके ओके ओके, आफ्टर यू नो समर में जाके अपना एक दो महीना रहना, यस यस, और चीजें यू नो गांव से, तो वहां से वो भी दूर नहीं है, मतलब आते जाते रहते हैं। ओके सो थोड़ा वो प्लान तो अभी चौपट हो गया, काफी सारे प्लान हुए हैं। सो यू आर बोर्न इन वाराणसी, आई थिंक सी इज योर डैड फ्रेंड, सो यू आर बोर्न इन वाराणसी एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, यस या फ्रेंड्स, आपके और जो और भी लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं, सो आप अपने क्वेश्चन भी पुट ऑन करिए। सिद्धार्थ इज देयर विद अस, आई एम टू फ्रॉम वाराणसी, सो योर फ्रेंड फ्रॉम वाराणसी इज देयर। सो सिद्धार्थ, आप डाइट वगैरह कुछ मेंटेन करते हैं? डाइट या ये लॉकडाउन में मैंने वेट कम किया है, मतलब काफी 5-6 kg वेट कम कर लिया है, बट फिर ओके थोड़े दिन से ना डाइट गड़बड़ हो रही है, पापा का बर्थडे, बट अब सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा यू नो वापिस। तो आपका डाइट रूटीन क्या, आपका डाइट क्या इंक्लूड करता है? डाइट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मतलब सुबह पोहा खा लिया, दो रोटी खा ली, मेनली है कि डाइट जिसको करना हो वो डाइट नहीं कह सकते, मतलब रात को हैवी मत खाए, तो फोकस करते हैं कि रात को ज्यादा ना खाए, सैलेड खा लें अपना नॉर्मल, दोपहर में दो रोटी चावल, मतलब थोड़ा सा चावल एंड ऑल सब हेल्दी खा लें। ओके, लोग ज्यादा रात को खा लेते हैं, वही चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी एक्टिविटीज ज्यादा होती नहीं है, जिम खुला नहीं है, घर पे ही कर रहे हैं, तो कभी मन करता है कभी नहीं, तो मेन डाइट ही आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। ओके ओके, तो काफी सारे लाइव कॉन्सर्ट किए हैं, तो लाइव कॉन्सर्ट के दौरान आपको कभी कोई माइक बंद हो गया हो या कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है? राइट राइट, ये एक बार हो गया था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहा था, ओके, कोई गर्ल्स कॉलेज ही था, तो वहाँ उनका पता नहीं क्या था स्पीकर का, वो लाइट चली गई, ऐसा है, फिर हमने फिर लाइव गाया, क्या करें। ओके सो गर्ल्स कॉलेज था तो फिर पीपल वर अमेज्ड कि हाँ चलो, बस ये कि थोड़ा और दम लग रहा था गले में यू नो, क्योंकि ऑडियंस बहुत होती है, स्टेज से कितनी देर चिल्ला लोगे, बट हाँ दैट्स अच्छा लगा, वो भी एक्सपीरियंस था एक लाइफ का, एंड वो होना भी चाहिए नो, सरप्राइजली तुम्हारे आगे कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है तो कैसे आप हैंडल करोगे? या यार या कहते हैं ना, हमने आई थिंक जो भी आर्टिस्ट होती है उसको ये क्वालिटी होती ही है, वो द शो मस्ट गो ऑन जैसे हम सब कहते हैं। राइट राइट, और क्या। सो गर्ल्स कॉलेज में आप गए तो ऑनेस्टली बताइएगा कि कितनी गर्ल्स ने आपको वहां पे फ्लैट हो गई? फ्लैट तो नहीं है, चलो फ्लैट नहीं, बहुत सारी फोटोज खींची, बहुत सारा मतलब फ्लैट किसको कहते हैं भाई, बट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारी okay. तो वही एक चीज होता है,
कि आप कितने अप्रिशिएट किए जाते हो, लाइक आपको गाना कितना पसंद आ रहा है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है. फिर आपके ऑन स्टेज जो है वो सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस या जो मतलब आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, तो वो क्या चीज? वो मेरा है सर, मैं क्या बताऊं, जयपुर में मैंने बहुत सबसे अभी तक का अच्छा शो किया है. वहां पे मोर देन 30,000 पीपल वर देयर एंड मुझे वहां चांस मिला तो मैंने परफॉर्म किया वहां पे. तो वहां मैंने कम से कम तो 500-700 तो सेल्फीज खिंचवा ली होंगी. मैं समझो मैं शो के बाद भी एक घंटा उधर रहा लेफ्ट और मैं जा नहीं पाया. चीजें बड़ी यू नो लोग बड़े सरप्राइज हुए, मुझे पहले इतना नहीं सुना था लोगों ने, बट वहाँ सुना तो पीपल वर अमेज की यार बहुत जो भी है अच्छा गाता है. और तो आई वॉज हैप्पी. तो मैंने मतलब इससे ज्यादा तो अभी तक कुछ बड़ा हुआ नहीं लाइफ में. तो लेट्स सी. आपका केबिन क्रू सॉन्ग तो इतना आपका चल रहा है एवरीवेयर, इज टिकटॉक, इसके भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे वीडियो बना के, यू नो पीपल जो भी भेज रहे हैं, स्पेशली क्रू, क्योंकि उनके लिए ही बनाया मैंने गाना. सो आई वांट के इंडस्ट्री है वो ज्यादा अप्रिशिएट करे एंड वो चीज हुई. बहुत ही यू नो चीजें कनेक्ट हुई लोगों के साथ जो मैं पहुंचाना चाहता था एंड बहुत सारी वीडियोस मैसेज पर्सनल मैसेज. तो आई वाज हैप्पी कि जिनके लिए गाना बनाया दे वर हैप्पी. आप कंपोजर भी है तो मेरे मन में एक बहुत ही क्वेश्चन मतलब एक चल रहा है. मैं तो यार दो लाइन भी कुछ लिख नहीं पाता. आप लोग पूरा गाना कैसे बना लेते हो? यार इसमें भी थोड़ा सा लाइक एक फ्लो होता है कि हाँ कोई टॉपिक सुन रहे हो, देख तुम्हें ध्यान आया, फिर उसको थोड़ा सोचो कि किस तरह से बनाना है. तो थोड़ी मेहनत तो है, दिमाग की मेहनत है, फिजिकल मेहनत. तो आइडिया कैसे आता है आप सारे मतलब ये राइम्स होते हैं या मतलब जो भी वर्ड्स होते हैं यूज, तो आप कैसे मतलब आइडिया कैसे आता है? वही तो दिमाग में पता नहीं क्या हलचल मस्ती रहती है ना. मैचिंग तो अब मैं जैसे अब केबिन क्रू पे बनाना था. हाँ जी. तो अब उसके करने की एक हुक लाइन है, तो इसको कैसे करें प्रेजेंट कि लोगों को ये वर्ड अच्छा लगे उस गाने में. नहीं तो तुम कुछ भी गाना बनाओ केबिन क्रू डाल दो तो इट वो लाइक तुम वो चीज इट वोंट वर्क. या या तो ये है कि तुम कैसे उसको परफेक्ट बना रहे हो कि लोगों को समझ आए कि हाँ यार ये सेंसिबल है एंड जिस चीज पे बनाया है वो निकल के आ रही चीज. तो वो तो फिर देखा उसके नच दी एरू दिल लगी हो केबिन क्रू. तो सुनने में भी लग रहा है ना कि कुछ या निकल गया. तो यही है कि थोड़ा इस पे एक्सपेरिमेंट होता है कि हमें किस तरह का बनाना है. तो मेरे मन में था कि इट विल बी लाइक पेपी नंबर ही बनाए कि ये नॉर्मल इमोशनल गाना या ऐसा कुछ गाना ना हो. जो भी क्रू है दे वर लाइक सुने तो थोड़ा सा झूमे कि हाँ यार गाना है कुछ. तो वो मोटिव रख के बनाया था. तो दिमाग में पेपी नंबर ही था कि किस इसकी कॉम्पोजिशन में सैड नहीं बनानी है, थोड़ा सा डांसिंग मूव वाली बनानी है. तो लाइक सारा कुछ फिर वैसे डैशिंग फाड़ू मतलब जिसको डीजे में मतलब बजाए तो सब नाच उठे नाचे. एंड लकी मैं अगर वही ये चीजें अब बंद होगी नहीं तो आप इसको कभी स्पीकर पे और किसी पे सुनोगे तो आपको समझ आएगा चीजें. या किसी कोई टॉपिक पे गाना निकलता है. अब ये प्रोफेशन पे गाना निकालना बहुत ही मुश्किल था. मैं बताऊंगा आप स्कूटर पे निकाल सकते हो, आई लैशेस पे निकाल सकते हो, यू नो लिप्स पे निकाल सकते हो, वो चीज अलग हो जाती है. चलो तुम्हें एक ब्यूटी दिखाना है, इयररिंग्स पे निकाल सकते हो कि चलो तुम्हें इससे कनेक्ट करना है, एक लड़की की ब्यूटी से कनेक्ट करना है. अब केबिन क्रू वर्ड है, अब उसको किस तरह से रिलेट करना है. तो अब वो केबिन क्रू की चीजें थोड़ी सी यू नो कि किस तरह से क्या रूटीन होता है, क्या चीजें होती है. तो उसमें कई सारे यू नो डाला है कि सुबह चलती हूँ मेरा देखूं पहला रोस्टर. वो रोस्टर होता है उनका, आपको पता होगा कि वो ना फ्लाइट से एक दिन पहले उनको रोस्टर मिलता है. ओके. सारी चीजें लिखी रहती है कि इतने बजे, हफ्ते का रोस्टर मिल जाता है कि इतने बजे आपकी कल फ्लाइट है, परसों इतने बजे, परसों इतने बजे. याद था तो वो जो उनसे रिलेट हो तो वो चीज मैंने चाहा कि यू नो पहले करे. ओके ओके. दिमाग लगता है तो फिर वो आपको पूरा मतलब रिसर्च करना पड़ता है, फिर वो वर्ड्स को पुट अप करना पड़ता है. लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं सिद्धार्थ, ये सॉन्ग इतना प्यारा है, भले अभी डीजे में नहीं बज रहा लेकिन स्पीकर्स पे नहीं आया आ पा रहा अभी ये कोरोना वायरस के वजह से, लेकिन ये सॉन्ग जल्दी जाने नहीं वाला, ये डीजे पे बज के जाएगा. थैंक यू यार, बस
बजे मैं तो खुश हूँ बहुत। और बहुत सारे गाने मैंने पार्टी नंबर भी अभी लिखे हुए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 3-4 गाने निकाले हैं, अभी तो चीजें स्टार्ट हो गई है। अब आप सोच सकते हैं 50 गाने हैं तो अब क्या होंगे चीजें। हाँ, अब हम सोच सकते हैं कि अगर 3-4 गानों में अगर ये पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री को जो हिला दिया है और जो लोगों के मतलब जबान पे आपका जो सॉन्ग छा रहा है, तो अभी तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो बहुत सारे yeah. रोमांटिक भी गाने हैं, सैड गाने भी हैं, पैपी नंबर भी हैं, तो मतलब ये है कि अभी बहुत सी चीजें हैं। और मैं मेरा हर एक गाना मुझे मतलब पर्सनल पसंद, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि कोई मैं गाना लिख रहा हूँ तो उसमें अगर चीजें मुझे नहीं पसंद आई तो मैं वो गाने को नहीं लिखता, मतलब वहां मैं कट कर देता हूँ कि नहीं यार ये चीज मेरे को नहीं समझ आ रही। बट ऐसे कोई कोई लोग निकाल भी देते हैं गाने, चलो चीजें यार निकालो, कोई नहीं गाना आना चाहिए मेरे, मैं नहीं कर पाता ये चीज। मुझे जब तक सेंसिबल ना लगे गाना, मैं 100 बार सुन के 101 बार कंफर्म ना हो जब राइट कुछ सेंसिबल बना तो ही मैं निकालता हूँ, नहीं तो ऐसे तो मैं बहुत सारे गाने लिख चुका होता पर मैं जो समझ नहीं आता उसको मैं अगर लिख रहा हूँ 4 लाइन फिर हटा देता हूँ। तो मेरे पास अगर आपको केबिन क्रू पसंद आया, आप इससे पहले इशारा सुनो, ये 2-4 गाने हैं, तो अगर ये चीज आपको पसंद आए तो समझ लो इससे सब ऊपर ही गाने हैं आगे मेरे। So definitely उसके लिए exotic web media के through जितने भी लोग आपके मतलब touch में आए हैं, so guys do follow him, उनको YouTube पे भी subscribe कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने वो लेके आने वाले हैं और आपको entertain करने वाले हैं, so definitely आपको उनको follow करना चाहिए। Okay, so सिद्धार्थ अभी जो मतलब जो लॉकडाउन का जो पीरियड था उस दौरान काफी लोग जो है डिप्रेशन में आए हुए हैं, एंड आपने कभी ये चीज फेस की हुई है जब आप स्ट्रगल कर रहे थे या मतलब आप मतलब 100% दे रहे थे लेकिन मतलब आपको स्ट्रगल करने आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था और आपका मतलब कैसे उस चीज को कोप अप किया, तो उस पे आप एक अपना मैसेज दीजिए ताकि जो हमारे जो दर्शक जो अभी देख रहे तो वो मोटिवेट हो। मैं यही कहूंगा मेरा टाइम जब था तो मैं जब स्ट्रगल कर रहा था मेरे में, मैं आपको बताऊं मैं बहुत ही पेशेंस रखता हूं चीजों में, मुझे पता है कि चीजें कब ऊपर नीचे अगर जाती हैं तो ठीक भी होती हैं अपने आप, तो मैंने ये चीज अपने आप अंदर बैठा रखा है। लाइक अभी आप देखोगे लोगों ने इस 6 महीने में 4 गाने निकाल दिए, मैं बहुत पेशेंस से करता हूँ कि ये नहीं कि एक गाना निकले तो हम उसको किस तरह से धीरे धीरे प्रमोट करें, तो बहुत जल्दी बात नहीं है मेरे में। तो पहली बात वही कहूंगा कि जो लोग लॉकडाउन में परेशान डिप्रेशन, ये एक टाइम है जो जाएगा अपने आप, आया है तो जाना ही, तो चीजें घबरा के नहीं, अपने आप को स्ट्रांग रखें, अपने घर में रहें, अपने आसपास के लोगों के पास रहें जो तुम्हें पॉजिटिव रखता हो, जो तुम्हें खुश रखता हो, तो उनके साथ ज्यादा रहें, नेगेटिव लोगों के साथ ना रहें, ठीक है, जो दिमाग थोड़ा राइट, तो पॉजिटिव चीजें करें, लाइक कि ठीक है अब किसी की बीमारियां आती हैं बहुत सारी, इससे भी भयंकर बीमारियां हैं, बट हम उसके ना सोच के इसके बारे में सोच रहे हैं, तो डिप्रेशन इज आल्सो लाइक मोर देन कोरोना, जो मुझे लगता है वो तो कोरोना से भी भयंकर अगर डिप्रेशन हो जाए तो। एग्जैक्टली कोरोना तो 15 दिन में ठीक हो जा रहा है, मैंने ही हमारे कई सारे जानने वाले हैं वो ठीक भी होके आ गए, तो और मेरे 2-4 जानने वाले जो डिप्रेशन में थे वो तो 6-6 महीने लग गए, तो मुझे तो लग रहा है टेंशन डिप्रेशन ही ज्यादा इससे खतरनाक कोई बीमारी नहीं है, तो आप ये कहूंगा कि कोरोना से ना डरे, आएगा वो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है या जो भी कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, so definitely they are doing a really great job. Very well. Salute. I am really thankful to all कि जितने कोरोना वॉरियर हैं, डॉक्टर हैं, इनकी सुने, लोग बोलते हैं अरे नहीं यार ये नहीं करना, वो तो ऐसे ही बोलता है, नहीं they are experienced, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आप जरूरत पे ही बाहर निकले, चीजें बहुत सारी मैनेज करनी होती है, किसी का किसी के पास है पैसा, किसी के पास नहीं है, तो अगर कोई बाहर जा भी रहा है जॉब पे या कोई ऐसी चीज पे, तो अपना देखभाल करके जाए, सैनिटाइज करे अपना हाथ, या जो मास्क है दिस इज नॉट फनी एट ऑल, अगर आप उसको लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो उससे भी वर्स्ट हो सकती है, तो 2-4 चीज को आप अपनाएं एंड तब बाहर जाएं। Yes, definitely. ध्यान रखें मजाक कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक होता है, बट ये नहीं कि हम इतना भी लाइटली ले लें किसी को भी।
यस यस डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये गलतियां हो रही है वो एट एन इंडिविजुअल लेवल सबको समझना चाहिए कि दिस आर द मतलब प्रिकॉशंस टू बी टेकन तभी जाके इससे दूर हो पाए. वेरी मच. आप कुछ भी चीज करते हो, मैं कह रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट कोरोना. आप किसी भी बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल में पहले भी जाते थे, हाथ धोते थे, तब भी सैनिटाइज करते, तब भी मास्क पहनते थे. तो वो चीजें हर बीमारी के लिए यही है. तो इसमें आपको वो नहीं सोचना चाहिए कि यार ये क्या है वो क्या है. कोई भी कोई अब अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि जी आप ये पहनो तो कुछ सोच समझ के बोला होगा. कुछ चीजें हैं ये नो कि चीजें मास्क से उतनी बच सकती हैं. लोग बोल रहे हैं कि नहीं मास्क से क्या होगा, होना होगा तो हो जाएगा. फिर तो जिसको होना है वो तो होगा ही, उसको तो हम नहीं रोक सकते. हाँ जी. बट आप बेवकूफ ना बनिए. आप सामने से तो आपको इनवाइट नहीं करना कि आप बेल मुझे मास्क. राइट. तो आपको ही ये चीज करनी पड़ेगी. ऐसा कुछ प्रिकॉशन इज मस्ट. और ये अभी का नहीं, बहुत टाइम थोड़ा चलेगा. तो लोगों को मास्क एंड हाथों को सैनिटाइज जरूर करें. ये लोग सोचते हैं कि यार बहुत लोग बोलते रहते हैं ये करो वो सैनिटाइज करो क्या, बट ये इसीलिए लोग बोलते हैं कि आप लोगों को रिमाइंड रहे. तो अगर आप बोलेंगे नहीं, इतना नहीं बताएंगे, तो यू नो चीजें कभी कभी नेगलेक्ट हो जाती है, उसी चीज में ही गलतियां हो जाती है. बहुत ही बढ़िया, अपने पूरा ब्रीफ में ये चीज आपने बताई. आई गेस जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं सो दे वुड बी मतलब डेफिनेटली इससे कुछ सीखेंगे. तो या सो गाइज, तो सिद्धार्थ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपकी जर्नी में जर्नी जान के. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपके सॉन्ग सुन के. और बहुत ही ज्यादा और भी अच्छा लगा कि आपके 50 नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं. तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आपके ये सारे सॉन्ग आए और कब मुझे सुनने को मिले. तो गाइस डू फॉलो सिद्धार्थ फॉर द अमेजिंग म्यूजिक. डू फॉलो एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल. हमारे डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव आने वाले हैं फेमस सेलिब्रिटीज. सो डू ज्वाइन अस, डू फॉलो अस at 7 PM Monday to Friday. We will going to have our live session with most of the famous celebrities. So yeah. Okay, Siddharth, so it was really nice talking to you. Nice having you on our show. Thank you so much, Shivam, and thank you Exotic Web Media and Yamini ma'am for such a wonderful live session. And मैं दोबारा आएंगे. चीजें अपने you know एक connect हो गए हैं तो मैं आपको वो फ्रेज आपको हमको मिलने के लिए सूरत तो आना ही है. वो आएंगे आएंगे पक्का पक्का. सूरत आएंगे तो आपको जरूर शिवम भाई कॉल करेंगे. डन है. Okay, and we are going to have Mr. Concert करके हमारा एक प्रोग्राम आने वाला है. So we will invite you for the same. So we will you know like let you know for all those concert and amazing sessions. So I hope that you have loved joining on the Exotic Web Media, and I hope you love the live session. Thank you so much. I really loved that. Thank you so much. Thank you. Okay, so this is Anchor Shivam saying goodbye to Siddharth. We will definitely meet soon. Bye. Thank you. So guys, this was Siddharth from Delhi and उनके बारे में हमने काफी बातें जानी, उनके म्यूजिक हमने सुने. और ऐसे ही प्रोग्राम हमारे आने वाले हैं दिल्ली में. हमारा मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे हम ये लाइव सेशन रखने वाले हैं जिसमें फेमस सेलिब्रिटीज हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल. दिस इज एंकर शिवम सेज यू गुड बाय. डेफिनेटली फॉलो करिएगा तब जाके आपको पता चलेगा हमारे लाइव सेशन के बारे में. सो एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल को फॉलो भी करिए. ओके सो आई एम मिसिंग. ओके सो समवन इज रियली मिसिंग. अभी से ही मिस करे सो आपको थोड़ा कल तक तो वेट करना पड़ेगा. फिर कल से हमारे जो मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे हमारे सारे लाइव सेशन आने वाले हैं. तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल को फॉलो करना है.
ओके एंड शाम 7 बजे आप अपना नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, तो शाम 7 बजे आपको लाइव सेशन में ज्वाइन होना है. ओके सो हमारे कल भी एक गेस्ट आने वाले हैं, उसके बारे में हम आपको जल्द से जल्द बताने वाले. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एक्सोटिक वेब इंडिया डिजिटल. दिस इज एंकर शिवम सेज यू ऑल अ गुड बाय. स्टे सेफ, स्टे होम.